ये कहानी है उस दिन की जब सागर अपने लैपटॉप में ये डिस्कवर करता है कि उसके ऑफिस की ज़्यादातर पुरानी फाइल्स एंड एजेंट के कॉन्टैक्ट डिटेल्स कॉपी हो चुके हैं। उसे ये अंदाज़ा है कि ये किसने किया है, लेकिन जिसने ये किया है वो उसकी खास दोस्त श्रुति का भाई है। वो इस बात से परेशान तो है, लेकिन वो श्रुति को डांटना भी नहीं चाहता। आखिर श्रुति के कहने पर ही तो उसने उसके भाई को अपने यहाँ पर काम पर रखा था। क्या वो श्रुति को समझा पाएगा? आइए देखते हैं। श्रुति, एक मिनट इधर आओ, बैठ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। श्रुति, तुम बुरा मत मानना, लेकिन आज मैं तुमसे जो कुछ भी कहने जा रहा हूं वो मेरे लिए भी बहुत अजीब है, लेकिन अब बात इतनी बढ़ गई है कि मुझे ये तुमसे कहना ही पड़ा। तुम्हारा वो भाई, वो ना जाने दिन भर क्या क्या करता था। वो दिन भर मेरे ऑफिस के चक्कर काटता और उसको जब भी मौका मिलता है वो मेरे कंप्यूटर पर बैठ जाता, न जाने क्या क्या सर्च करते रहता। खैर, ये भी मैं इग्नोर करने के लिए तैयार था, लेकिन इस बार तो उसने हद ही कर दी। इस बार उसने हमारे कंपनी के सारे एजेंट्स को कॉल किया और उनसे 4-5 साल पुराने क्लाइंट्स डिटेल मांगा। मुझे नहीं पता कि वो इन क्लाइंट डिटेल्स का क्या करें, वो क्यों पुरानी फाइलों को खंगाल रहा, आखिर उसका पर्पस क्या, वो क्यों करना चाहता है ये सब। लेकिन एक बात साफ है कि हर एक कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं और हम सभी को इन रूल्स को फॉलो करना होता है, यहाँ तक कि मुझे भी। कुछ दिन पहले बॉस ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और उन्होंने कहा कि तुम्हारे कंप्यूटर पर तुमसे ज्यादा तो श्रुति का भाई बैठा हुआ है, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। श्रुति, तुम प्लीज अपने भाई को समझाओ कि वो ऐसा कुछ भी ना करे, नहीं तो मेरी जॉब भी खतरे में पड़ सकती है। तुम प्लीज उसे समझाओ।